आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक हरी बत्ती लाल बत्ती, लेखक ब्रजभूषण, प्रस्तुति तनुजा कानडे की है। तो आइए सुनते हैं नाटक हरी बत्ती लाल बत्ती। अरे ओ मन्नू की माँ, सारे दिन तू चावल ही बीनती रहती है, तेरी बहू ना लगा वे है हाथ काम को। अब क्या बताऊं री बहना, अपने कर्म का लेखा तो मुझे ही करना पड़े है ना। सो तो तू ठीक कह रही है, पर ये बता कि सुना है मन्नू की बहू का पांव फिर भारी है? तुमने तो सिर्फ सुना है, अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। चलो शुक्र है भगवान जी का, वो तो तेरी सुन ले, और तू पोते का मुंह देखे तो अपने को भी दो लड्डू मिल जावेंगे। अरे रघु की अम्मा, लड्डुओं से तो मैं तेरा टोकरा भर दूंगी, नसीब पोते का मुंह तो दिखावे। पिछली बार भी अठमासी लड़की लाई, जन्म जली वो भी मरी हुई। अरे मुझे तो इस बार भी डर लगे है, इस बार भी कहीं ऐसा वैसा ना कुछ हो जावे। हाँ। अरे तो जांच क्यों नहीं करवा लेती? आजकल तो अस्पताल में डॉक्टर ने लोग पहले ही बता देवे हैं कि छोकरा होवेगा या छोकरी। अरे चल परे हट, का कर रही है तू, ऐसा थोड़ा होवे है भला कभी? अरे भाई होवे है नहीं, होने लगा है। मैंने करा ली थी अपनी बहू की जांच, जब पता लगा कि छोकरी होवेगी मैंने तुरंत साफ करवा दी। हाय रे दैया, सच? अरे तो क्या मैं झूठ बोले हूँ, आजकल तो अस्पताल में डॉक्टर ने अजूबे करने लगी हैं, पेट पर कुछ मशीन सी लगावे हैं और बता देवे हैं कि छोकरा होवेगा या छोकरी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान भला करे इन डॉक्टरनियों का जो पैदा होने से पहले ही बता देवे हैं कि छोकरा होवेगा कि छोकरी। मैं तो आज ही मन्नू के साथ गोमती को भेज दूंगी अस्पताल में डॉक्टरनी जी के पास। अरे भेज तो देगी, और जो डॉक्टर ने बता दिया कि छोकरी होवेगी तो क्या, समझा दूंगी मन्नू को, तुरंत साफ सफाई करवा दे। और जो तेरी बहू ना मानी तो? अरे उसकी क्या मजाल कि वो ना माने, ससुरी की चुटिया पकड़ कर घर से निकाल दूंगी। बस यही करियो, मैं भी ऐसा ही करती रही हूँ। मेरी पहली बहू मिजाज दिखाने लगी थी तो मैंने चुटिया पकड़ कर बाहर कर दिया और ले आई दूसरी बहू अपने बेटे के लिए। ना री ना, मेरे यहाँ तो ऐसी नौबत नहीं आवेगी, और अगर आ गई तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। चंगा अब मैं चली, मोहन के आने का बखत होने लगा है। हाँ मन्नू के भी आने का बखत हो गया है। गोमती, अरे ये बहू। हाँ माई जी। माई जी की बच्ची क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी माई जी। झाड़ू लगा रही थी, अब रहने भी दे ये झाड़ू लगाना। झाड़ू तो तूने पहले ही इस घर में लगा रखी है, कान खोल कर सुन, जो मैं कहती हूँ उसे सुन ध्यान से। मुझे पोता चाहिए पोता, पहले भी तूने मरी हुई लड़की पैदा करी, पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा। अरे सुन रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ माई जी सुन रही हूँ। मन्नू थोड़ी देर में आने वाला है कारखाने से, उसके साथ चली जा डॉक्टरनी के पास अस्पताल में, जाँच करवा ले अपनी, और वो कहे कि छोकरा आवेगा तो ठीक है चली आइयो घर वापस, और जो वो कहे कि छोकरी आवेगी तो तुरंत अपनी साफ सफाई करवा लियो। हाँ माई जी, भगवान की मर्जी के आगे किसी का क्या बस चले है, छोकरा होवे या छोकरी ये तो भगवान की अमानत है, मुझ पर ये जुलम ना करो, मैं तो पहले से ही दुखी। अरे चुप, जवान लड़ावे है तेरा क्या है, तू तो जन्म देगी और छोकरी को, पर मेरे वंश का क्या होगा? मैंने कही बस उतनी ही बात सुन और समझ, तुझे अपनी होशियारी लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? पर माई जी ओख तो मेरी है ना, छोकरा होवे या छोकरी आत्मा तो मेरी ही कल्पेगी ना। अच्छा लगे है तेरी जबान लंबी हो गई है, अरे काट कर रख दूंगी इसे। तू भूल गई क्या कि इस घर में जो भी होवे है मेरी मर्जी से होवे है। माई जी मैं आपके हाथ जोड़ू हूँ, पाँव पड़ू हूँ, मुझ पर ये जुलम मत करो, साफ सफाई करना पाप है माई जी, भगवान के घर तो छोकरा और छोकरी दोनों ही एक जैसे होते हैं। अरे चुप कर, भगवान के घर का कायदा मुझे पढ़ाने चलिए, मैंने कह दिया ना इस घर में छोकरा ही पैदा होगा छोकरी नहीं, जो तूने मेरी बात ना मानी तो तू जाने है ना, तू जाने है ना मैं कौन हूँ। अरे बंद कर रही कल मुही रोना धोना, जा भीतर
ज्यादा छू चपड़ करेगी तो घर से निकाल बाहर करूंगी। अरे जा भीतर। आज फिर क्या बात हो गई माँ? वही जो सदा होवे है। मैंने कही कि मनु के साथ अस्पताल जाकर डॉक्टरनी से जांच करवा लो, जो लड़की की बारी हो तो साफ सफाई करवा लो। बस इतनी सी बात पर लगी जवान लड़ाने। पर माँ, क्या जांच करवाना जरूरी है? अरे मुझे तो लगे है तेरी भी मति मारी गई है। अरे बावले, पहले भी इसने मरी हुई छोकरी को जन्म दिया और इस बार भी छोकरी का नंबर लग गया। अरे तो हमारे वंश का क्या होगा, ये कभी सोचा है तूने? भगवान की मर्जी के आगे किसी का क्या बस चले है माँ। हाय री दैया, मुझे तो लगे है कि अब तो तू भी जोरू का गुलाम हो गया है। अरे नास पिटे समझता क्यों नहीं, घर में बेटा ही आना चाहिए, नहीं तो हमारे वंश का क्या होगा? अरे कैसे चलेगा हमारा वंश? तो इब वंश चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा माँ? तेरी जोरू को बेटा पैदा करना पड़ेगा। पर इसमें मैं क्या कर सकूं? अरे तू ये तो कर सके है कि आज अभी का भी अपनी जोरू को ले जाकर अस्पताल चला जा और उसकी जांच करवा दे। आजकल डॉक्टरनिया मशीन से देखकर बता देवे हैं कि छोकरा होवेगा या छोकरी। जो पता लगेगा कि छोकरा होवेगा तो फिर कुछ बात नहीं, और जो पता चले कि छोकरी आने वाली है तो तू तुरंत सफाई करवा दियो। तू समझ रहा है ना? है मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? पर माँ, क्या गोमती इसके लिए राजी होगी? कैसा खसम है, अरे कैसा मरद है रे तू? उसके तैयार होने ना होने से क्या होता है, उस बात का क्या सवाल है? मैंने जो कह दिया वो करना होगा। अब ले जा इसे अस्पताल ले जाकर इसकी जांच करवा। 100 बात की एक बात, मुझे पोता चाहिए, बस मैंने कह दिया मुझे पोता चाहिए। माँ, अरे माँ सुनो तो। ओहो चली गई, हे भगवान। लो पानी पी लो जी। गोमती, पानी तो तू ले आई री, पर इस आग का क्या होगा? कैसी आग जी? जो इस पानी के पीछे है गोमती। चल चल तैयार हो जा, अस्पताल चल रहा है। ना जी ना, मुझ पर ये जुल्म मत करो। मैं हाथ जोड़ू हूँ तुम्हारे आगे, मुझसे ये नहीं होवेगा। छोकरा या छोकरी जो भी भगवान देगा हम ले लेंगे अपनी झोली में। लोग छोकरी को भी तो माँ लक्ष्मी का रूप कहवे हैं, फिर माई जी छोकरी की ही बात क्यों कर रही हैं? गोमती, माँ को पोता चाहिए। नसीब में होगा, अब भगवान जी की मर्जी होवेगी तो भी हमें मिल जाएगा जी। पर माँ नसीब और भगवान से नहीं, तेरे से पोता चाहवे हैं। इब मैं क्या करूं? माई जी को समझाओ ना जी। उसे तो ब्रह्मा जी भी ना समझा सके हैं। कि तू रोना गिड़गिड़ाना छोड़ पर चल मेरे साथ। ना जी ना, तरस खाओ मुझ पर, तनिक तो विचार करो, अपने पेट की औलाद को ऐसे कैसे निकाल फेंकू जी। अरे तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा ना, अगर छोकरा हुआ तो काहे की चिंता, और जो छोकरी हुई तो साफ सफाई करानी ही होगी। क्यों करनी पड़ेगी साफ सफाई? क्या छोकरी तुम्हारी संतान न होवेगी? क्या छोकरी मेरा अंश न होवेगी? कि कैसा जुलम और जोर जबरदस्ती है जी। ना मैं ना चलने वाली तुम्हारे साथ अस्पताल को। हाँ मैंने कह दी। तू जाने तो है इस घर में वही होवे है जो मेरी माँ सोमा देवी चाहे है। और मेरी चाह कुछ नहीं जी, एक संतान पैदा हुई तो मरी हुई, और दूसरी को पैदा होने से पहले ही मार दूं। ना जी ना, मुझसे ना होवेगा ये। अच्छा बहस मत कर, चल जल्दी, मार ही है, चल। अरे क्यों रे, इब तलक तो यही कचारी लगाए बैठा है, गया नहीं इसे लेके अस्पताल? अरे कैसा पूछ जन दिया मैंने, अपनी माँ की ना सुने है जोरू की सुने है। माई जी भगवान के लिए मेरे साथ जुलम मत करो। तेरा मतलब मैं डाकन हूँ जो तुझ पर जुलम करे हूँ? अरे ओ मुन्ना देख क्या रहा है, टुकुर टुकुर मुझे देख रहा, अरे ले जा इसे। माई जी मेरी कोख ना जलाओ माई जी। तू कहना ना मानेगी तो अब तुझे ही जला दूंगी, अरे ले जा रही इसे। ना जी ना माई जी, मेरे साथ अन्याय ना करो जी। चल गोपी चल, मेरी आत्मा दुखी ना करो माई जी, ना भेजो मुझे अस्पताल। अरे देख क्या रहा है मन्नू, देख
चलो माई जी, चल। जबान लड़ा ले है तेरी बहू। अरे पर मैं भी कहां छोटे बाप की बेटी हूं, मैंने भी भेज ही दिया उसे अस्पताल। जब पता चला कि पेट में छोकरी है तो मैंने तुरंत मनु से कह के साफ सफाई करवा दी। अच्छा किया, मेरी पहली बहू तो जन्म जली बांझ ही थी। दूसरी भी जब छोकरी लेकर आने लगी तो मैंने भी ऐसा ही कर छोड़ा। अच्छा मनु की माँ, तू अब ये बता कि गोमती के पहले तो मरी हुई छोकरी हुई और दूसरी बार भी ये मनहूस लड़की लेकर ही आ रही थी। चलो तेने उसे रुखसत कर दिया, पर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, मेरा मतलब कि छोकरी के आने के आसार हुए, तब क्या करेगी तू? मैं फिर उसे अस्पताल भेजकर पहले तो जांच करवा लूँगी और फिर वही करूँगी जो इस बार किया है। ना ना ना, एक की बार ऐसी गलती मत करियो। तो फिर क्या करूँ री? जो तू मेरी माने तो सुन, मनु की दूसरी शादी करा दे। और इस गोमती का क्या करूं? अरे धक्के देकर बाहर कर, और क्या करेगी? अरे तेरे वंश की खातिर तीन तीन बेर में भी पोता पैदा ना कर सके, उसे घर में रखकर क्या करोगी? अरे बात तू बड़े काम की कह रही है रघु की माँ। काम की? अरे बड़े काम की, रघु की माँ कभी बेकार और बेकाम की बात करे ही ना है। और गोमती तो बाप के घर से दहेज भी ना लाई थी, दूसरी आवेगी तो दहेज भी लावेगी और आने के बाद पोता भी ले आएगी तेरे लिए। अरे तू सोचे तो बड़ी दूर की है। दूर की ना सोचती तो एक के बाद एक तीन बहुएं कैसे ले आती अपने बेटे के लिए। ले इब मैं चली। अरे ओ महारानी, अरे ओ बड़े बाप की बेटी, कहाँ मर गई तू? आई माँ जी। आई तो क्या माई को खाएगी? बुलाया था ना मुझे, कर्म फूटे थे इसीलिए तो बुलाया था। तो मैं जाऊं काम करूं घर का? अरे कहां चली रानी रूपमती, ठहर देख रही तो अपने बाप के घर से कुछ दहेज ना लाई थी और मैंने सबर कर लिया, पर इस बार तूने मेरे घर में मुझे पोते का मुंह ना दिखाया तो मैं तुझे घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी और फिर जाकर बैठना अपने बाप के घर में। ना माई जी ना, मेरा बाप बहुत गरीब है, मर जाएगा दुख से माई जी। अरे तू मर, तेरा बाप मरे, मैं क्यों सोचने लगी? मुझे पोता चाहिए पोता। अगर तेरी कोख कच्ची है और तू मेरे लिए पोता पैदा ना कर सके तो तू मेरे किस? ये मेरे बस की बात तो ना है ना माई जी? ये तेरे बस की बात ना है तो मेरे बस की बात तो ये है कि मनु की मैं दूसरी बहू ले आऊं जो मुझे पोता दे सके। ना माई जी ना, ऐसा ना बोलो माई जी, भगवान जी ने चाहा तो इस बार आपको पोता जरूर मिल जाएगा। मुझे तेरे और तेरे भगवान जी की चाह में सारी उम्र नहीं काटनी है, मेरी चाह है कि मुझे पोता मिले और मरने से पहले मिले ताकि मैं उसका मुंह दे सकूं। ये पोता तो मेरी और थारी मर्जी की बात ना है ना माई जी? भगवान जी की मर्जी के बगैर कैसे होगा, आप ही बताओ। दूसरी बहू ले आऊंगी तो हो जाएगा और तू और तेरा भगवान जी ताकते ही रह जाएंगे। और जो दूसरी से भी ना हुआ तो? चल रही जन्म जली कोख जली, बद्दुआ देवे है मेरे बेटे को, परे कर अपना काला मुंह कलमुही, दूर हो जा। अरे तू मेरे बेटे को नहीं देख सकती है? बांझ कहीं की, क्या दूसरों की तरह तू भी बकबक करे है? माई जी मैं तुम्हारे पाँव पड़ू हूँ। अरे हट, छोड़ मेरे पाँव। माई जी माई जी माई जी, रोती रहे अपनी कर्मों को, मैं चली। क्या हुआ क्या हुआ क्या होवेगा जानकर? वही हुआ जो रोज होता आवे है जी। माई जी पोता चावे हैं, कहने लगी कि इस बार पोता न लाई तो घर से निकाल देवेंगी और दूसरी शादी कर देवेंगी आपकी। ए जी, तुम सचमुच मुझे घर से काट दोगे क्या? दिन भर का थका हारा घर आऊं हूं तो माँ की और तेरी किचड़ी शुरू हो जावे है। कहां जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
अच्छा तुम ही न्याय करो, क्या बेटी या बेटा पैदा करना मेरे वश की बात है क्या? हरी तू मुझे क्यों सुनाने लगी रही ये बातें? तो किसे सुनाऊं जी अपने मन की बात, मैं तो मर गई जीते जी। इब माँ अगर पोते का मुंह देखना चाहे है तो इसमें क्या गलत है? तो मैं कहाँ कह रही हूँ जी कि गलत है, पर मुझे बेर बेर पोता करने के लिए तंग करना तो गलत है ना जी। जो मनचाही संतान पैदा करना अपने बस में होता तो माई जी ने तुम्हारे जन्म के बाद और बेटे पैदा क्यों नहीं कर लिए? क्या? और क्या मैं सही तो कह रही हूँ, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? मैं तुम्हारी बहन कौशल्या, उनके एक के बाद एक तीन बेटियां पैदा हो गई, उनसे क्यों ना पैदा कर लिए बेटे? और तुम्हारे बाद माई जी ने बेटी को ही क्यों जना, बेटा क्यों नहीं जना? मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हो, मेरे ही पीछे क्यों तुम पड़े हुए हो? बेहया बेशरम, तेरी ये मजाल कि तू मेरी माँ बहन को बखाने? और तुम और तुम्हारी माई मेरे को जो बेर बेर बखाने लगे हुए हो उसका कुछ ना होगा। नसीब जली को घर से बाहर। तो ये थोड़े ही रहने दूंगा माँ इसे घर में, चल रही निकल। कैसा कड़वा हुए है सच, दूसरे के सर पर कुल्हाड़े चलाते रहो तो कुछ भी नहीं, और खुद के पाँव में सुई चुभ गई तो छाती पर पड़ी। कैसा कपूत है रे मनु, तू माँ बहन की बेइज्जती करवा रहा है, अरे निकाल इसे घर से। चल चल री, इबना होवेगा गुजारा तेरे इस घर में, मेरी माँ बहन को ललकारने वाली तू कहाँ से पैदा हो गई री? चल नहीं मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो माई जी, माई जी मुझे जी सुनते हो, मुझे मत निकालो। अरे मन्नू की माँ उधर देख, उधर। किधर? अरे अरे सामने, अरे सामने तेरे आंगन की ओट में तेरी नई बहू तुलसी कितनी बेशर्मी से मर्दों की तरह गन्ना चूस रही है। ले आ गई यही मरी छाती पर, इसकी जांच कराने तो मुश्किल ही लगे है। किसकी जांच करावे है मौसी, कहीं चोरी हो गई है क्या बस्ती में? नहीं रे बहू, बस्ती की नहीं, हम तो तेरी जांच की बात कर रहे हैं। मेरी? क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे हुआ नहीं तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा और क्या? नहीं मौसी, मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए। हाय राम, क्या कहने लगी रे? पर बहू बेटा होगा या बेटी ये तो डॉक्टर ने ही जांच करके बतावेगी ना। अरे मौसी वो भुतनी डॉक्टर ने क्या बतावेगी मुझे, मैं तो जानती हूँ कि मेरे छोकरी ही होवेगी। छोकरी नहीं होने देंगे हम, हमें तो छोकरा चाहिएगा। तू जा आज ही अपने खसम के साथ जांच को। अच्छा, और अगर डॉक्टरनी ने कह दी कि छोकरा होवेगा तो मैं बोर्शन करवा दूंगी। हाँ, और उसने कहा कि छोकरी होवेगी तो फिर खुद ही वो क्या कहे हैं एक्सटेंशन कर लूंगी। हाँ बाप रे बाप, मन्नू की माँ इसके तो तेवर ही बदले हुए हैं, ये तेरे वश की नहीं है। ले आ गया मन्नू, वो लेगा इसकी खबर। अरे क्या खबर लेगा, वो तो खुद बावले की तरह फटी हुई आंखों से देख रहा है इसे। सिर्फ देखने से ही कुछ नहीं होवेगा बेटा, मन्नू सुन भी ले ये क्या कह रही है। ये कहवे है कि जांच में डॉक्टर ने छोकरी बताएगी तो ठीक, और छोकरा बताए देगी तो सफाई करवा देगी। अरे क्या बोलती हो माँ? ए माई जी, तुम ये झाड़ू छाप बोली क्यों बोलती रहो हो हुँ? साफ सफाई क्या होवे है, बोर्शन बोलो बोर्शन। पर मैं तो जानू कि बोर्शन की नौबत ही नहीं आवेगी। तुलसी तने आँख पर ठीकरी रखी है क्या, छोटे बड़ों का कोई कायदा लिहाज है तुझे? अरे 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 छाती पर क्यों चढ़ा आ रहा है, खड़ा रहे परे हटकर, परे हटो जहाँ हो। अरे तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं? शरम शरमदारों से होवे है। तेरा मतलब यहाँ हम सब बेशरम हैं? ओफो बेशरम भी और बेरहम भी, तुम लोगों ने क्या मुझे गोमती समझा है? हाँ मैं क्या उसकी तरह से बेजबान हूँ? बेटे को हरी और बेटी को लाल बत्ती दिखाने के चक्कर में
तुम लोगों ने उस गोमती का जीना हराम कर दिया था, पर मैं ना सहने वाली हाँ वो सब। तुम सब कान खोल कर सुन लो, मैं बेटी ही को जन्म दूंगी, और जो तुमने मेरे साथ जरा भी जोर जबरदस्ती की तो मैं तुम सभी को पुलिस और कचहरी तक। मैं कहूँ सोमा देवी जी हैं क्या घर में? कौन है? ये तो गोमती के बाप राम प्रसाद की आवाज है, मन्नू की माँ। हाँ आवाज तो उसी की है। ओहो समधी जी। अब हम समधी कहाँ रहे सोमा देवी, जब थे तब थे। मेरी बेटी गोमती को तो निकाल ही दिया था तुम लोगों ने, जवान बेटी को कब तक बैठाए रखता छाती पर। सो मैंने एक भला सा घर देखकर उसकी दोबारा शादी कर दी थी, उसको बेटा हुआ है। मैं एक सुंदर नाती का नाना बन गया हूँ, उसी की मिठाई लाया था। लीजिए मिठाई मुझे दो ताऊ, गोमती को बेटा हुआ है। ये बात सुनकर इन तीनों में से कोई खुश नहीं हुआ है। जो खुश ना होवे उसे मिठाई खिलाने से क्या फायदा। हाँ मैं खुश हुई हूँ कि मेरी बहन गोमती को बेटा हुआ है। यहाँ इस घर में मेरे हिस्से का जो जहर होवे था ना, वो भी वो समेट कर ले गई है ताऊ। तू कौन है बेटी? ये घर छोड़ने से पहले जो गोमती यहाँ थी ना, अब मैं वही हूँ, समझ गए ना ताऊ? अच्छा 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 काम तो तुमने किया है ताऊ कि गोमती की दोबारा शादी करा दी। सुखी हो गई यहाँ से निकलकर और वहाँ पहुँचकर। यहाँ रहती तो मर जाती घुट घुट कर। अरे तुलसी तेरी जबान चलती ही रहेगी क्या? अभी तक चली ही कहाँ थी मेरी जबान। कमाल है ना, तुम्हारे जुलम भी चलेंगे और हमारी जबान भी नहीं चलेगी। बेटे की गुरु माँ और माँ की गुरु मौसी, वो इनके कान में मंत्र फूंकती रही और ये अपने बेटे को उंगली पर नचाती रही। नचाओ नचाओ अपनी औलाद को जितना चाहो नचाओ, अरे पर दूसरे की बेटी की जान को भारी क्यों होवे हो? और इब तू सबकी गुरु बन के खड़ी है। मौसी तुमने पहली बार समझदारी की बात की है, वैसे जिंदगी भर समझदारी का काम तो कर ही नहीं सकी। औरत होकर औरत की तुम दुश्मन बन बैठी। हरी बत्ती के चक्कर में तुमने अपने बेटे की शादी तीन तीन बार कराई। बतावेगी तनिक मुझे कि औरत होकर तुझे तीन औरतों की जिंदगी से खेलने का क्या हक होवे था? अरे तो क्या बोलती ही रहेगी क्या? माई जी आज ही तो मौका है बोलने का, जिंदगी भर तुम्हारा गलत बोलना लोगों ने सुना, आज मेरा सही बोलना तुम सुनो। माई माई मैं लूट गई। मेरी बेटी कौशल्या क्या हुआ? अरे इसके बाल बड़े सारे फटे हुए हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची? बोलना कौशल्या तुझे क्या हुआ बोलना। अरे तू बोलती क्यों नहीं खुशी, क्या हुआ? माई मेरी सास ने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। माई तीनों लड़कियों को पड़ोस में छोड़ के आई हूँ। क्यों ऐसा किया उन लोगों ने? उसने सवाल पूछने लगी रे। अरे ये सवाल पैदा तो इसी घर से होकर वहां गया था। इसके सास को भी तो बेटे वाली हरी बत्ती चाहिए थी ना, और इसने उसके सामने एक के बाद एक तीन तीन लाल लाल बत्तियां रख दी। तुलसी। हाँ माँ भौजी ठीक कहवे हैं। सास बोली कि तू बेटा नहीं पैदा कर सकती हो, तू निकल घर से, मैं बेटे के लिए दूसरी। अरे तो रोती हुई यहाँ क्यों चली आई? बोल नहीं सकी तू करम ठोक सास से कि ए सासू तुमने ऐसा बेटा क्यों पैदा किया जो आगे बेटा पैदा कर ही ना सके है? भौजी रो मत कौशल्या, तू चल मेरे साथ, मैं पूछती हूँ उससे चलकर कि ए अकल की दुश्मन, चक्की में अगर बाजरा डालेगी तो क्या गेहूं का आटा निकलेगा? अरे गेहूं का आटा चाहिए तो चक्की में गेहूं डाल, बाजरी डालने पर चक्की कहां से निकाल कर देगी गेहूं का आटा? इब इसमें चक्की का क्या कसूर? सिर्फ बेटे ही पैदा कर सके, ऐसे बेटे तो इन सासुओं ने भी पैदा किए नहीं, और बहुओं की छाती पर मूंग दलती रेवे हैं। मैं कहूं बेटी तू तो बड़ी सयानी बातें करे है। ताऊ मैं आखिरी सयानी बात और करूंगी अपने मर्द से, सुन लो जी।
मैं इब इस सास के साथ नहीं रह सकती, मुझे दूसरी सास चाहिए। अरे तेरा दिमाग हिलने लगा है क्या री? क्यों, दिमाग हिलने की क्या बात हुई जी? कायदा एक तरफा ही बना हुआ है क्या? जब भी जिस सास को बहू अच्छी ना लगे तो बहू बदल देने का कायदा बना रखा है, और किसी बहू को सास अच्छी ना लगे तो सास बदलने का कोई कायदा नहीं है। कोई बात बात नहीं, मैं सास के साथ साथ मर्द भी बदल दूंगी। तुलसी, तो फिर चल मेरे साथ। अरे तुलसी, तुम मेरे ही घर से मेरे बेटे को लेकर जाएगी? सासू जी, इस घर से अगर किसी की बेटी जा सकती है तो तुम्हारा बेटा क्यों नहीं जा सकता? और जिस घर में औरत औरत की दुश्मन हो, उस पर जुलम करे, वो घर रहने लायक भी नहीं होता। चलो जी, आओ चले। ना रे तुलसी, ना, ऐसा ऐसा मत कर मेरी बहू, मेरा घर मत उठा, ऐसा जुलम मत कर, मत कर मेरी तुलसी, मत कर। अरे मेरी प्यारी सासू जी, जुलम करने का ऑल इंडिया लाइसेंस तुम्हारे ही पास है क्या? दूसरे की बेटी पर जुलम करते बखत भूल क्यों जाती हो सासू जी कि तुम्हारी भी कोई बेटी है और उसके भी कोई सास है। ले, मैं चली अपने घर। अरे 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 मौसी, कौन से घर जाएगी? ब तेरे बेटे को तेरी तीसरी नई बहू अपनी माँ के घर ले जा चुकी है, अब वहाँ कोई नहीं है। क्या कहवे है बहू? जो सच है वही कहूँ। हाय हाय, मैं लुट गई। अरे 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 मौसी, दूसरे का सुख चैन लूटने वाला खुद लुटे बिना कभी रहवे है क्या? मैं कहूँ तू तो बहुत हिम्मत वाली है बेटी। हाँ ताऊ, गोमती सीधी थी तो निकलना पड़ा यहाँ से, पर मैं जुलम सहने वाली नहीं। अच्छा अच्छा, ये बहुत हुआ, चुप कर। मैं ना तो चुप रहूंगी और ना यहाँ रहूंगी, अब चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दे बहू, माफ कर देना मुझे, मेरी मती मारी गई थी, मती मारी गई थी मेरी बहू। मारी गई थी तो अब क्या पोजीशन है उस मती की, वापस जिंदा हुई या नहीं? ना 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 ना, उल्टी मती फिर क्यों जिंदा होने लगी? बहू नई मती पैदा हुई है जिसमें लाल बत्ती और हरी बत्ती का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा की बात। अभी आप सुन रहे थे नाटक हरी बत्ती लाल बत्ती, लेखक ब्रजभूषण। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: राम प्रसाद, शिव कुमार सरोज, मनोहर, नागेश प्रसाद, गोमती, संगीता खेवरा, सोमा देवी, हेमलता दीपक, तुलसी, गीता खन्ना, रघु की माँ मोना ठाकुर और कौशल्या तनुजा कानडे। निर्माण सहयोग राजीव रंजन वर्मा, प्रस्तुति तनुजा कानडे की थी। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।